ये भाई ये चीज देखो, पूरा कंस्ट्रक्शन हो रहा है। वी आर ऑन मरीन ड्राइव भाई, एंड इधर पूरा कंस्ट्रक्शन ही चल रहा है। Still the same game, except I'm pulling more sluts, more butts, more bucks, never giving more fucks. Did it my way, I'm never taking shortcuts. Raised in a town like fool, who put you up on, huh? E40 Mac Trace, who I... Assalamualaikum guys, namaste, sasriyakal bhai log, ki hal chal, to bhai aaj aa chuke hain nayi video ke saath, and aaj ki video hone wali hai bhai off-roading pe. Bhai full off-road karne wale hain aaj apan log, dekh lo. मतलब दीघा साइड है भाई, एंड पूरा ऑफ रोडिंग मतलब भाई होने वाला है। अभी हम लोग घाट पे रुके हुए थे, वहाँ पे रील्स शूट के हमने फोटो थोड़ी खिंचवाई, तो रील्स तुम लोगों को इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो भाई लोग जल्दी से जाके कर लो, इस लिंक है डिस्क्रिप्शन में। एंड अभी हम लोग देखो ऑफ रोडिंग करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, एंड ऑफ रोड भाई ज़्यादा तो नहीं है, थोड़ा सा फिर पुल स्टेप के पास, मतलब वहाँ से रोड सही है, बट यहाँ मतलब भाई 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 भाई, भाई, भाई। मेरे एक और वीडियो में तुम लोगों ने देखा होगा, अरे भाई तो पूरा धूल उड़ाते हुए लोग जा रहा है। अरे भाई लोग कहाँ कर रहा है, अरे भाई 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 निकले पड़ेगा आगे। अरे 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 भाई 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 पूरा धूल उड़ाते हुए वो जा रहा था भाई, इसलिए आगे निकल गए, वरना पूरे काले हो जाते भाई डस्ट में अपन। मतलब भाई ब्लॉगिंग करने में यार हालत ख़राब हो जाती है, एक दिन निकलो एंड हालत ख़राब, पूरा गंदा हो गया भाई, बाइक भी एंड अपन भी, तो घर जाके हम दोनों को नहाना है, क्या रखता है, नहाएगा नहीं नहाएगा, नहाएगा सही है, जो भी साफ़ सुथरा रहने वाला बच्चा है नहीं। तो भाई ये है दीघा वाला पुल, इसके नीचे में चलता है ट्रेन एंड ऊपर में चलता है ये क्या कहते हैं उसे, आई मीन व्हीकल्स। एंड अभी हम लोग चल रहे हैं पुल के नीचे इसी पे भाई ट्रेन चलता है, एंड बहुत लोग फोटोशूट वूट भी करवाने जाते हैं इधर, अभी तक हम नहीं गए हैं, एंड मैंने सोचा भी नहीं अभी मतलब जाने वाने का, देखो कभी प्लान बना दोस्तों के साथ तो जाएंगे, वरना तो भाई इधर ही उधर में निकल जाता है ब्लॉग बनाने में। तो भाई लोग तुम लोगों को ब्लॉग कैसा लग रहा है, पसंद आ रहा है नहीं आ रहा है कमेंट करके बताना। यहाँ से रोड थोड़ा सा सही है, एंड इधर देख लो रोड बन रहा है पूरा, एंड भाई ये भी अपना ब्लॉग बना रहा है, तो एंड देखो पूरा रोड इधर का बन ही रहा है, एंड ये इस साइड का ही बन ही रहा है पूरा, तो इधर मतलब मरीन ड्राइव बन रहा है भाई, जो मैंने तुम लोग वीडियो डाला था और गायघाट साइड से डाला था, अभी मैं दीघा साइड से ये वीडियो बना रहा हूँ ये मरीन ड्राइव का। देख लो इधर पूरा वर्क हो रहा है, एंड यहाँ पर भाई पूरा सामान ट्रक्स वगैरह, एंड ये देखो भाई पूरा मतलब भाई, और ये वाला रोड भाई जाके अटल पथ साइड है उसमें मिल जाएगा, एंड ये वाला अपना सीधा उधर साइड गांधी मैदान में जाके मिल रहा है, अभी तो वहीं मिल रहा है, एंड आगे देखो कहाँ जाके मिलता है। तो वैसे तो मेरे को ज़्यादा मालूम है नहीं कौन कहाँ, जब बनेगा घूमेंगे उस पर तब मालूम चलेगा, अच्छे से कन्फर्म होगा। तो अभी तो भाई हम लोग देखो यहाँ पर सामान सब भी उतर रहे हैं वगैरह, एंड सब कुछ हो रहा है, एंड गाड़ी वाड़ी सीमेंट वाली भी। तो भाई अभी रोड पूरा ज़ोरों शोरों से लगा हुआ है, तो चलो आगे चलते हैं, देखते हैं क्या मज़ा आता है यहाँ ऑफ रोडिंग में। एंड ये क्या भाई कार का एक्सीडेंट पता नहीं, खैर ये देखो ये अटल पथ साइड जाएगा, एंड ये अभी गांधी मैदान साइड जा रहा है, तो हम लोग अभी उधर ही जा रहे हैं, देखते हैं क्या मज़ा आने वाला है नहीं आने वाला है। तो इधर का रोड तो भाई थोड़ा सही है, मतलब देख लो प्रोग्रेस में लगा हुआ है, मतलब ये भाई इतना चौड़ा रोड है, एंड आधा रोड भाई इतना भी बना दिया है गया है, एंड आधा रोड अभी और बन रहा है, तो अभी आधा रोड और बन रहा है, तो भाई मतलब देखो वर्क मतलब ये है इसमें लगा हुआ है प्रोग्रेस में है, तो अभी मतलब इधर का बन जाएगा भाई रूट, तो ये बहुत ही सेक्सी लगेगा इधर। अभी हम लोग सीधे जाएंगे यहाँ से आगे, चलो तुम लोग भी देखो क्या वहाँ होता है। भाई 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 अरे अरे अरे, मतलब भाई जब से पीछे से नेकेड कराई है ना भाई,
सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है मेरे को पानी में, जरा सा पानी में भी स्लो करना पड़ जाता है, वरना चक से छीटा उड़ के मेरे हेलमेट पे पड़ जाएगा। तो भाई देखो, वर्क इन प्रोग्रेस है एंड ये वाला रोड बन चुका है। और ये भाई मतलब मिलने वाला नहीं था, ये मतलब अलग अलग रूट है। मेरे को लगा ये रोड पूरा एक ही है, बट नहीं, ऐसा नहीं है, पूरा एक रोड नहीं है, अलग अलग है। एंड अभी ये रोड शायद और चौड़ा होगा या ये डिवाइडर बनेगा, आई डोंट नो, आई थिंक शायद भाई डिवाइडर ही बन रहा है ये। और क्योंकि इधर बीच में इतना चौड़ा भाई ये बनाया हुआ है, यार थोड़ा सा रोड तो दे देते हैं। वैसे सही है भाई, रोड के लिए भी सही है ये रोड इतना चौड़ा। एंड आगे का उधर देखो, हर जगह मतलब इधर भाई कंस्ट्रक्शन ही हो रही है, उधर सामान वगैरह सब रखा हुआ है। एंड कार्स भाई धूल उड़ाते हुए पूरा जा रहा है, ये कार वाला लोग देखो भाई पूरा धूल धूल किया हुआ है। मजे ले रहा भाई, पीछे वाले को रोना आ रहा होगा अंदर बैठ के। उसको क्या ही रोना आएगा, रोना तो भाई हम बाइकर्स को आता है, सारा कंधा एंड कचरा भाई डायरेक्ट आके अपने ही को पड़ता है। एंड देखो वहाँ सामने में भी कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। एंड हर जगह भाई मतलब इस साइड भाई पूरा मतलब कंस्ट्रक्शन ही में बिजी है। एंड बॉयज कुछ दो लोग उधर खेलने भी आते हैं, मतलब मैदान मैदान टाइप हो गया है, सूख गया पानी, वरना पानी भाई जब भरता है तो पूरा चढ़ जाता है। अभी सूखा हुआ है पानी, तो देखो जगह जगह पे कहीं कहीं पे खाली है, तो मतलब मिनी आइलैंड बोले या जो बोले, छोटा सा भाई बालू का बन चुका है। तो उसी पे सब लोग खेल भी रहे हैं, कुछ लोग कार दौड़ा रहे हैं, कुछ लोग बाइक दौड़ा रहे हैं, कुछ लोग बैठे हुए हैं इसी नल्ला बेल्ला। एंड इधर भाई कंस्ट्रक्शन का थोड़ा सामान वामान रखा हुआ है, तो और इधर पेंटिंग चालू है। तो भाई मतलब रोड पूरा लगे हुए हैं, सरकार लगी हुई है पूरा रोड को कंप्लीट कराने में। वहाँ देखो, वहाँ सीमेंट गिराया जा रहा है। तो भाई सही है, अपना पटना प्रोग्रेस पे है। एंड सामने आ रहा था ब्लॉग गोभी भाई, तुम लोगों को मतलब ज़्यादा इंफॉर्मेटिव चाहिए ये सब चीज़ के बारे में, तो भाई आर एस भाई ब्लॉग का भी देख सकते हो। हो सकता है जो मेरे से छूट जा रहा होगा वो रंजीत दिखा देगा तुम लोगों को या बता देगा। तो मतलब मेरे को भाई ज़्यादा उतना कुछ खास मालूम नहीं है, जब तक बनेगा नहीं तब तक हम कुछ कह नहीं सकते। एंड यहाँ ईगल्स इतना नीचे कैसे हो गया भाई, ईगल्स को तो हमेशा ऊपर उड़ता देखा है मैंने, यहाँ मतलब भाई लेवल में उड़ रहा है ये लोग। और भाई हर जगह मतलब लोग ही लोग हैं यहाँ पे, कहीं कहीं मतलब हर जगह लेबर लोग हैं। एंड हर मतलब काम वाम चल रहा है, अभी पेंटिंग का काम चल रहा है, मतलब जैसा कि देखो मैंने कहा था डिवाइडर बन रहा है, वहाँ पीछे में भी डिवाइडर ही बन रहा है। तो अभी तो इस रूट पे भाई हम आज पहली बार आए हैं, मेरे को उतना कुछ खास मालूम नहीं था। एंड यहाँ भाई वाह, ये चीज़ सही है, ये सही बनाई भाई ने, हाय हाय। मतलब बाइक्स एंड मतलब कार्स को रोकने के लिए, मतलब कुछ लोग होते हैं जो चलते चलते थक जाते हैं तो साइड में रुकते हैं, तो उनके साइड में रुकने के लिए एक अलग लेन बना हुआ है भाई। मतलब बहुत सही बना रही है भाई सरकार अपनी। तो देखो इधर अलग लेन बना हुआ है रुकने के लिए किसी को भी, मतलब अच्छा खासा चौड़ाई है भाई इस लेन का, मतलब बोले तो पूरा ट्रक रुक सकता है भाई, कार का तो छोड़ ही दो। एंड वो भाई सामने बिस्कुमान भवन तुम लोगों को दिख रहा होगा या नहीं दिख रहा होगा, बट मेरे को दिख रहा है, सामने में बिस्कुमान भवन आ रहा है। एंड अपना गायघाट पुल भाई, गायघाट पुल भी नज़र आ रहा है भाई, गायघाट पुल भी नज़र आ रहा है यहाँ से। आई थे पता नहीं कैमरा में नज़र आ रहा होगा नहीं आ रहा होगा, बट अपने को आ रहा है नज़र। तो भाई गायघाट से मतलब भीगा ज़्यादा दूर नहीं लग रहा, बट एक्चुअली में भाई बहुत दूर है। अगर तुम लोग रोड से आते हो तो भाई तुम लोगों को बहुत दूर पड़ने वाला है, बट ये रूट जब बन जाएगा ना भाई, ये मरीन ड्राइव, तो भाई मतलब बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा हम लोगों को। एंड ये भाई मरीन ड्राइव वाला रोड है जो गायघाट साइड, मैंने पिलर दिखाया था तुम लोगों को, ये वही रोड है, वही रूट है। एंड ये सीधा जाके पूरा गायघाट साइड पोर्ट तक कनेक्ट, पूरा सिटी तक जाएगा भाई, पटना सिटी तक। एंड सदर गली जिधर वो सब है पटना सिटी में, तो भाई उधर ही जाके वो कनेक्ट हो जाएगा। एंड उसका जो गेट है, यहाँ एक दीघा में पोर्ट है यहीं पे, एंड भाई एक PMCH में है गांधी मैदान साइड शायद कहीं पे, एंड एक है भाई गायघाट में दिया हुआ है, जैसा मैंने बताया था यहाँ पे मैं था जहाँ से मैंने ब्लॉग शूट किया था वहाँ गायघाट में देगा। एंड एक भाई डायरेक्ट पटना सिटी, मतलब इसका ओपनिंग होगा, वहाँ से लोग निकल सकेंगे उस साइड रोड पे जाने के लिए। अगर मेरे को इस रोड से उस रोड में जाना है, उस वाले लेन में नहीं भाई, मतलब उस दूसरे वाले लेन में जो अभी हम लोग
यूजुअली यूज कर रहा है नॉर्मली। एंड इधर झोपड़ पट्टी पट्टी सब आए आए आए, क्या बात है क्या बात है, पूरा गांव वाली फीलिंग आ रही है भाई मेरे को। ऐसा लग रहा है भाई अपन लॉन्ग टूर पे आ गए हैं, मतलब इधर का फीलिंग वैसा दे रहा है भाई, तो ऑसम फीलिंग है यार, क्या मज़ा ही मज़ा आ रहा है इधर भाई। इधर खुदाई चल रही है, खुदाई चल रही है भाई, खुदाई तुम्हें क्या सुनाई दिया है? अच्छा तुम्हें कुछ और चला? नहीं भाई खुदाई हो रही है। एंड अभी भाई टाइम हो रहा है सुबह के 10:30 बज चुके हैं और हम लोग भाई अभी इधर ही दीघा में भटक रहे हैं। अरे भाई कुमार भवन भाई यहाँ से बहुत पास में नज़र आ रहा है, मतलब यार ये इतना शॉर्टकट रूट है गांधी मैदान जाने वालों के लिए, मतलब क्या ही कहें, मतलब दीघा से 5 किलोमीटर अराउंड, मतलब भाई तुम इतना घूम के अटल पथ साइड से शंकर बाग, मतलब अटल पथ फिर बोरिंग रोड होते हुए तुम लोग इतना घूम कर जाओगे, उससे अच्छा भाई पास में है यही रूट पकड़ लो, गांधी मैदान निकल जाएगा भाई, सामने में गांधी कुमार भवन नज़र आ रहा है अपने को। एंड पूरा देखो भाई कंस्ट्रक्शन का काम चालू ही है, पूरे में कंस्ट्रक्शन हो रही है भाई। एंड भाई पता नहीं ये किस चीज़ का कंस्ट्रक्शन है, बट कंस्ट्रक्शन इधर हो रही है अपनी, और ये सब वगैरह तो वही बन रहा है भाई जो मैंने पीछे में दिखाया था, ड्राइवर बाइक्स एंड कार्स रोकने के लिए, जिसको रुकना है भाई वो रुकने के लिए मतलब साइड में बनाया जा रहा है, तो बहुत अच्छी बात है, हर जगह होना चाहिए ये चीज़ की, मतलब भाई कोई कोई होता है मतलब प्रॉब्लम हो जाती है बाइक्स मतलब ख़राब, मतलब कोई भी व्हीकल ख़राब हो जाता है या मतलब बंदा चलाते चलाते थक जाता है तब वो मतलब रुक सकता है, मतलब ये बहुत अच्छी चीज़ है भाई, मतलब रुकने का बीच में दिया हुआ है। एंड देखो ये भाई ये चीज़ देखो, पूरा कंस्ट्रक्शन हो रहा है, वी आर ऑन मरीन ड्राइव भाई, एंड इधर पूरा कंस्ट्रक्शन ही चल रहा है, तुम लोग जैसे बताया मैंने ब्लॉग में, एंड देख लो पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन ही है भाई, पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन चल रहा है इधर, देखो खड़ा होकर दिखा देते हैं, तो पूरा ये सब हो रहा है भाई। एंड क्या हो गया भाई हाँ भाई, तो यहाँ पे बच्चे लोग मिल गए हैं, ये लोग मिले थे दीघा पे पुल पे भी एलिवेटेड पे, ये लोग कभी सही है भाई, यहाँ पे पूरा लोहा वोहा गिरा हुआ रखा हुआ है, आई मीन पोल का है शायद ये सब, पोल का हाँ, तो भाई बच्चे लोग भी इधर का पूरा एंजॉय कर रहे हैं। एंड बच्चे लोग भाई बताओ इतना दूर एलिवेटेड से भाई ये लोग इधर आए, वो भी साइकिल से भाई, साइकिल मतलब यार एक ज़माना था हम लोग भी साइकिल से घूमा करते थे, बट भाई इतना दूर नहीं भाई, इतना में तो हालत ख़राब हो जाएगा भाई साइकिल से घूमने में। एंड भाई ये मरीन ड्राइव भाई बहुत सेक्सी लग रहा है, आगे से सीधा जा रहा है अपना, तो पूरा तुम लोगों को दिखाते हैं, तो भाई बच्चे लोग भी पूरा इंजॉय कर रहे हैं मरीन ड्राइव को, एंड हम लोग भी इंजॉय कर ही रहे हैं, अभी सीधा यहाँ पे जा रहे हैं, मतलब जैसा कि तुम लोग बताया मैंने पहली बार आ रहे हैं भाई मरीन ड्राइव पे, और मतलब भाई ये पुल मतलब कंप्लीट मतलब पिलर बन रहे हैं पुल भाई, कुछ दिनों में लगता है मेरे को पूरा कम्प्लीट हो जाएगा, गाय घाट तक मिला देगा जाकर, तो भाई यहाँ से भाई रास्ता है ब्लॉग, यहाँ से उस तरफ हो जाएंगे हम लोग। एंड भाई इधर डस्ट और धूल बहुत उड़ रहा है भाई, तो इधर जब भी आओ फुल पहन कर आना जब तक इधर का कंस्ट्रक्शन है, वरना भाई काला हो जाएगा हाथ पर तुम लोगों का। देखो भाई पूरा, तो भाई अभी थोड़ा सा ऑफ रोडिंग होने वाला है, एंड यहाँ से हम लोग सीधा जाएंगे यहाँ तक भाई मतलब बना है, चलो थोड़ा सा आगे बढ़ कर दिखाते हैं तुम लोगों को, देखो वर्क इन प्रोग्रेस है भाई, बन रहा है पूरा मरीन ड्राइव, एंड वहाँ दूर से बनते हुए जा रहा है भाई, जैसा उंगली में दिखा रहा हूँ तुम लोगों को, ये रोड में कास्ट एंड कट बड़ा धूल वाला है, ये रोड में मनाएगा भाई हाँ, अरे भाई तो कौन कैमरा बोल रहा है बताओ,
भाई ऑन कैमरा भी इसने कर दिया यार, अब तो करना पड़ेगा भाई तो बहुत गलत बात है, वैसे इतनी सारी पब्लिक आई है अपने को देखने तो करना तो पड़ेगा ही। थैंक यू, चला जाए भाई, सारे भाई लोग अपना देखने आए थे स्टंट तो दिखा दिया, अभी यहाँ से निकलते हैं हम लोग। तो भाई अभी यहाँ पे हम लोग ब्लॉग हो गया बहुत ज़्यादा लंबा, तो ब्लॉग को करते हैं एंड, मिलेंगे तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा गुड बाय। एंड यहाँ पे इतने सारे बच्चे लोग आए थे तो इन लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा, तो मिलेंगे तुम लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा गुड बाय। वीडियो पसंद आए तो वीडियो करना लाइक, चैनल करना सब्सक्राइब एंड वीडियो कर देना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भाई लोग, मिलेंगे तुम लोगों से आगे।